हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फाइब्रॉइड किस तरह से IVF के रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है, कौन से फाइब्रॉइड ऑपरेट कराने चाहिए, कौन से फाइब्रॉइड नहीं ऑपरेट कराने चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है कि अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड्स हैं जिससे पूरे यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है, या उससे पूरा यूट्रस जो है वो डिस्टॉर्ट या इररेगुलर शेप का हो गया है, या जो गर्भाशय की गांठ है वो एंडोमेट्रियल कैविटी मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर अगर आ गई है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये यूट्रस का मॉडल है। अगर अपन देखें तो ये एंडोमेट्रियल कैविटी होती है और ये फाइब्रॉइड होता है। अगर बहुत छोटा फाइब्रॉइड भी है, 1.5 सेंटीमीटर, इवन लेस देन 1 सेंटीमीटर, अगर वो यूट्रस के अंदर आ रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी गांठें यूट्रस के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो इन गांठों को तो हमें रिमूव करना पड़ता है। ये गांठें अगर छोटी होती हैं तो नीचे से ही दूरबीन के द्वारा हिस्टरोस्कोपिक सबम्यूकस मायोमेक्टमी नाम से कहा जाता है, हिस्टरोस्कोपिक सबम्यूकस मायोमेक्टमी से हम इन फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं। पर अगर यही फाइब्रॉइड अगर सरफेस पर आ जाता है तो उसको हम सबसीरस फाइब्रॉइड, और मसल के अंदर होता है तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कई बार बहुत पूरा यूट्रस जो होता है उसमें काफ़ी सारे फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो जनरली IVF से पहले हम प्रेफर करते हैं कि अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं और ओवरऑल यूट्रस का साइज़ उसकी वजह से बढ़ गया है तो वो फाइब्रॉइड्स निकाल दिए जाएं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं, सीडलिंग फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, तो अब देखो ये बहुत क्लियर है कि जो सीडलिंग फाइब्रॉइड जैसे दिख रहे होंगे ये सीड्स हैं, ठीक है ना, ये सीड्स हैं। अब ये सीडलिंग फाइब्रॉइड अगर पूरे यूट्रस के अंदर होगा तो हम हर एक फाइब्रॉइड को निकाल नहीं सकते, दैट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। उस केस में जो बड़े बड़े पेशेंट के 5, 6, 8, 10 जितने भी फाइब्रॉइड हैं वो निकाल दिए जाते हैं, यूट्रस को सील दिया जाता है, और जब ये प्रोसीजर करते हैं उसके बाद हम 3 महीने तक यूट्रस को रेस्ट देते हैं और 3 महीने बाद हम पेशेंट का IVF प्लान करते हैं। तो इस तरह का करने से अगर हम पेशेंट का IVF प्लान करते हैं तो फाइब्रॉइड की वजह से जो इम्प्लांटेशन में इम्पैक्ट आ सकता है वो चला जाता है और पेशेंट के कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम कई बार बाकी सब फैक्टर्स अगर नॉर्मल होते हैं उनको फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं और वो नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रखना कि फाइब्रॉइड कैविटी से कितनी दूर है, हमें ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके अंदर हमें हिस्टरोस्कोपी बहुत हेल्प करती है। हिस्टरोस्कोपी मतलब गर्भाशय के अंदर जाके और गर्भाशय की दूरबीन की जाँच। अगर हम दूरबीन गर्भाशय के अंदर डालते हैं और हमें ऐसा लगता है कि फाइब्रॉइड, जो पहले सोनोग्राफी में ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से IVF में इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर अगर हिस्टरोस्कोपी में ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसका बल जा रहा है अंदर तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो फॉर दैट मायोमेक्टमी या रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड का डिसीजन जो है वो काफ़ी बार हिस्टरोस्कोपी के द्वारा हमें पता चलता है कि उसको रिमूव करने की ज़रूरत है कि नहीं है। बट आइडियली आई वुड से कि अगर आप इतना बड़ा प्रोसीजर, इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर करा रहे हैं तो जो भी फैक्टर्स IVF के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं उन सब को हमें निकलवा देना चाहिए, क्योंकि आइडियली हम वैसे 100% पे तो प्ले कर नहीं रहे। हर पेशेंट का IVF का रिजल्ट अलग अलग होता है, और बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम पेशेंट को रिजल्ट एक्सप्लेन करते हैं कि 100 में से 40 पेशेंट्स कंसीव हो सकते हैं या 100 में से 30 पेशेंट कंसीव हो सकते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जिस पेशेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है वो तो 100% हो गया, और जिसका नेगेटिव आता है वो 0% हो गया। तो पेशेंट के लिए 30% एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए 100 या 0 होता है। बट लेकिन वो तो हमारे लिए है कि हम अगर 100 पेशेंट का IVF करेंगे तो उसमें से 30 कंसीव हो जाएंगे, 70 नहीं होंगे। इसलिए जितने भी छोटे बड़े फैक्टर्स जो IVF के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं वो सब हमें पहले ही, अगर उनको करेक्ट करा जा सकता है तो करेक्शन करवा लेना चाहिए। थैंक यू।